मेरा तो दो शब्द, दो तीन शब्द ही रहेगा, चाहे वो विस्तार में हो या संक्षेप में हो। सबसे पहले ये है कि हमारा जो भारत सरकार है, जिसको मोदी जी चला रहा है नरेंद्र मोदी, उनको पता था कि एक महीना पहले संवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में, और सामने जितने भी जुड़े देशों के बीच में, वहाँ बहुत सारी हलचलें मची हुई थी। स्थिति जो थी वो स्टेबल नहीं थी। हमारे भारत सरकार को भी पता था, यूएसए ने, फ्रांस ने, यूके ने, यहाँ तक कि पाकिस्तान, हमारे जो पड़ोसी देश है, उसने एक महीने पहले अपना सारा स्ट्रेटेजी प्लान कर लिया था, डिटेलें निकाल ली थी कि यूक्रेन के किस क्षेत्र में कितने उनके निवासी है, सिटीजन्स है, उसी हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बना लिया था कि अपने सिटीजनों को कैसे निकाला जाए यूक्रेन से, क्योंकि वो वार ग्रस्त होने वाली थी। तो सब ने निकाल लिया धीरे धीरे करके। लेकिन भारत सरकार जो है हमारा, जिसको नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, ही इग्नोर्ड। और आज जाके हमें अपना एक मेडिकल स्टूडेंट की बलिदानी देना पड़ रहा है। ही वॉज बिजी इन इलेक्शन। तो वो एक महीने से भारत सरकार क्यों सो रही थी, किस लिए सो रही थी, ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पता था एक महीने से पहले ये सारी डिटेलिंग क्यों नहीं निकाली गई? उनका सरकार है, उनकी मशीनरी है, सब कुछ है, क्यों नहीं निकाली गई? COVID-19 के समय, पैंडेमिक के समय भी यही हाल था। अब जाके जब सारे बच्चे वहाँ फंसे हैं, आप देखिए पूरे रिपोर्ट देखिए, किसी भी देश के जो सिटीजन है, निवासी, वो वहाँ फंसे नहीं है। इट इज़ ओनली इंडियन नेशनल एंड इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टैंडर्ड एंड स्टक डियर देयर बिन टॉर्चर्ड, एग्जीक्यूशन ऑफ वायलेंस के शिकार हो रहे हैं। तब जाके आपने ऑपरेशन गंगा निकाला, तब जाके आपके वहाँ के एम्बेसी एडवाइजरी नोट निकालते हैं। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एडवाइजरी नोट, वहाँ के एम्बेसी ने निकाला, सबसे पहले बच्चों को कहते हैं कि गूगल मैप के सहारे आप कोई सुरक्षित जगह पहुँच जाइए, बंकर में पहुँच जाइए। कैसे पहुँचेंगे? वार प्रोन, वार जोन एरिया में। फिर सेकेंड एडवाइजरी नोट निकालता है कि बॉर्डर में पहुंच जाइए, आप अपना एयर टिकट करा लीजिए, वहां फ्लाइटें आ रही हैं इंडिया से। फ्लाइट का कीमत कितना है, एयर फेयर, फ्लाइट चार्ज 70,000 से 80,000, उसका भुगतान कौन करेगा इमरजेंसी सिचुएशन में, उसका भुगतान कौन करेगा? इसी प्रोसेस के द्वारा जब नवीन नामक जो डॉक्टरी की डिग्री ले रहा था, वो इसी प्रोसेस में अपनी जान बचाने के लिए, इस प्रोसेस में सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए, उसी समय सेल्फ फायरिंग में वो मारा गया। ये देखिए, गूगल मैपिंग से कोई पहुंचता है बंकर या सेफ्टी जगह पे? और तीसरा ये देखिए कि उनकी एडवाइजरी का एक बहुत बड़ा नमूना बता दे। एडवाइजरी कहते हैं कि फ्लाइट आ गई है इंडिया से, कहाँ आई, रद्द कर दिया। तीन फ्लाइट जो कि 200 से लेके 300 तक की पैसेंजर कैरी कर सकता है, तीन फ्लाइट कैंसिल कर दी। एयर स्पेस का क्लियरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। बाद में जाके क्या किया, अब ये लोग भेजते हैं चार मिनिस्टर। अच्छी बात है, चार मिनिस्टर भेजा बच्चों के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिटर्न के लिए, अर्ली टाइमली इवैक्यूएशन के लिए। आप देखिए किसको बुद्धू बना रहे हैं, अभी गया चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन किसी भी कंट्री के मिनिस्टर वहाँ यूक्रेन नहीं गया। हमारे इंडिया से चार मिनिस्टर को यूक्रेन जाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने में मोदी सरकार से डिले हुई है। अब उनको चमकना है तो चार मिनिस्टर भेज दिया। बाकी कंट्रियों ने एक महीना पहले सारा चीज़ अपना डिटेल स्ट्रेटेजी बना के अपने सिटीजनों को, निवासियों को निकाल लिया। अब जब हौचपोच है, टाइम नहीं रहा, तो चार मिनिस्टर को भेज रहे हैं। चार मिनिस्टर ने क्या उखाड़ लिया वहां जाके, उनके जाने का ऐलान होने के साथ साथ एक बच्चा मारा गया। 20,000 स्टूडेंट है वहां, सोर्स के हिसाब से जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से 20,000 है। भारत सरकार ने अभी तक कोई डेटा कलेक्शन नहीं की कि वहाँ कितने इंडियन नेशनल्स हैं, कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं, और कितने फ्लाइट इंडिया पहुँचे हैं, कितने फ्लाइट में बच्चे हमारे इंडियन नेशनल या इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचे हैं।
सबका रोना धोना चल रहा है। ये देखिए कितनी डुप्लीकेसी है, उनको हमारे बच्चे और भारतीय निवासियों की कोई फिक्र नहीं है। वो मणिपुर में कैंपेन कर रहे हैं, बाकी स्टेट में इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे हैं और कहते हैं कि घर घर जाके मोदी के लिए वोट मांगे। वो घर घर जाके ये क्यों नहीं आश्वासन देते कि आपके बच्चे सेफ है, माता पिताओं को? ही टॉक्स अबाउट आत्मनिर्भर, ही टॉक्स अबाउट घर वापसी। क्या बच्चों को वहाँ गोला बारूद में छोड़ दिया आत्मनिर्भर पर कि खुद ही बच के आओ? घर वापसी का बात करते तो हमारे बच्चे को घर वापस क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस विच वी नीड द आंसर अभी का अभी। एंड आप ये भी देखिए कि दूसरा ये है कि अभी एक पॉइंट है यहाँ पे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैंने बोल दी, स्टेट लेवल पे हमारे NSY टीम ने जिस समय से पता चला कि यूक्रेन में रशिया का एग्रेशन है, तब से चिल्ला रहे स्टेट गवर्नमेंट को कि अपने MLA से रिक्वेस्ट कीजिए या MLA को डायरेक्शन दीजिए कि अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में कितने बच्चे यूक्रेन पढ़ने गए हैं, उसी हिसाब से वो लिस्ट लेके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे कोऑर्डिनेट करें। वैसे भी हमारा यूनियन लॉ मिनिस्टर तो गया ही हुआ है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और सेफली टाइमली रिटर्न को इंश्योर कीजिए। नहीं, जब तक कांग्रेस, जब तक हम नहीं चिल्लाएंगे, बार बार चिल्लाने के बाद दो दिन पहले हमारे ऑनरेबल गवर्नर ने ये सुनने में आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी, इतने दिन एक महीना तक कहाँ था? और आज तक स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, उनसे एक भी सिंपथी वाली वर्ड सुनने को नहीं मिला, जबकि वहाँ हमारे अब तक सोर्स के हिसाब से 10 बच्चे फंसे हुए हैं। पहले तो उन लोग एक ही बच्चा का नाम ले रहे थे, हमने सारा छानबीन किया तो पता चला 10 बच्चे हैं और उससे भी ज़्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि अरुणाचल से मेडिकल स्टडी करने, हायर एजुकेशन के लिए यूक्रेन एक दशक से ज़्यादा हो गया टाइम, बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनका अभी तक कोई लिस्ट नहीं बना, ना MLA से कोई, हर कोई कंस्टिट्यूएंसी, जिस कंस्टिट्यूएंसी से बच्चे अभी तक वहाँ फंसे हैं उन MLA से एक वर्ड, एक सिंपथी वाली वर्ड सुनने को नहीं आया। कोई मीडिया में आके कोई बताता नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है। अब तो हमारा यही डिमांड है कि सारे इंडियन नेशनल और इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हमारे जो अब तक जो गिनती में 10 बच्चे हैं उनको सुरक्षित वकायदा अरुणाचल वापस लेके आए और उनका एयरफेयर जो कि 60,000 से 80,000 तक करके रखा हुआ है इस इमरजेंसी वॉर क्रिसिस सिचुएशन में भी, उनका भुगतान हमारा स्टेट गवर्नमेंट करे। क्योंकि हमारे पास 3 MP है, एक ही पार्टी से सेंटर में उसका सरकार है, उन लोगों का स्टेट में उनका सरकार है, सारे MLA जो है उनका है, 1,000 चीज़ें होती है हमारे राज्य में, तो उन बच्चों का एयरफेयर का भुगतान, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का जिम्मा हमारा स्टेट गवर्नमेंट ले, ये हमारी डिमांड है। उस दिन हम लोग ने FL किया था यहाँ पे, बस पेज पहले स्टूडेंट को वापस लाना चाहिए, वहाँ सेफ्टी नहीं है, बार बार मैंने कहा, लेकिन फिर भी इतना ले तक उन लोग कुछ भी नहीं करता है। तो जबकि स्टूडेंट वहाँ मर रहा है फॉरेन में, दूसरा कंट्री में, तो यहाँ का हमारा जो गवर्नमेंट जो है, पता नहीं टोटल स्टूडेंट वहाँ कितना पढ़ा है, कितना लोग तकलीफ हो रहा है, वो टोटली उसका दे डोंट हैव एनी आइडिया है, वो डेट कुछ भी आइडिया पता नहीं उसको, तो टोटली नहीं जानता है। तो इतना लेटली अभी उसने ये एक तो कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किया, क्या गंगा क्या था, ऑपरेशन गंगा इतना लेटली जारी किया है, जबकि वहाँ लोग जो है इतना सफ़र कर रहे हैं, इतना दुख तकले में, इतना उनका रहने का जगह नहीं, सोने का जगह नहीं, इनका मम्मी पापा यहाँ पे किसको फ़ोन करें, वहाँ पे फ्लाइट चलना तो टोटली बंद है, बस चलना तो बंद है, ऐसे जगह में, और यूक्रेन टाउन का अंदर में सब कुछ ऐसे है, तो लोग जो है पैदल मार के वहाँ पे बॉर्डर पे जाकर दूसरा कंट्री से ये रूट बना के जाना पड़ रहा है। तो उस दिन हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा था, हमारा अरुणाचल में क्या सिर्फ 10 स्टूडेंट वहाँ पे फंसा हुआ है,
तो तेंदुलकर सुरेंद्र को लाने में इतना दिक्कत इतना लेट क्यों है ये गवर्नमेंट जो उसको तो अरे भाई ये तो एक सिंपल से काम है, दो सौ जिनको भी अभी तक लाने एक भी अभी तक नहीं लाया है, तो हम लोग इतना दुख है, हमारे लोग सारा सारा का लोग पूरा दुख है, जितना पब्लिक आम जनता जब उसे मम्मी पापा जब बहुत दुख होगा, क्या पता उधर क्या हो रहा है, तो ऐसा बहुत चीज़ है। तो आप फेसबुक में देखता है उस दिन हम लोग ने देखा हमला हमारा न्योकुम भी हुआ, बड़ा बड़ा मंत्री लोग जाके ये करेगा वो करेगा बाचनबाजी करके घूम रहा था, तो एक्चुअली तो कुछ तो है ही नहीं, ऐसे सो आप देखा भाई ये सब करके घूमता है, तो एग्जैक्टली क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए वो कुछ करता नहीं है। तो इतना लेटली मोदी जी ने ये ऑपरेशन गंगा भी लॉन्च किया जस्ट कल ही हुआ, तो ये तो बहुत लेट है, तो उसको आइडिया नहीं इंडियन का स्टूडेंट वहाँ कितना लोग फंसा हुआ है, वह मोर देन 20-30,000 का स्टूडेंट वहाँ फंसा होगा फॉर माई पर्सनल ओपिनियन। तो वो क्या करता है डेली एक एक फ्लाइट भेज रहा है, फ्लाइट आ रहे डेली तो वहाँ पे आप तो 30-40 ऐसे 10-15 बार चेकर तो लगने दो, ऐसा नहीं करता है, तो ऐसे करके उसने बहुत ये अपना लेट डिले करवा रहा है। तो इसलिए हम थोड़ा इसलिए आज का प्रेस ब्रीफिंग यही है, तो इसके बाद हम थोड़ा से हमारा जो दो तीन इश्यू है क्वेश्चन है बीजेपी को और मोदी गवर्नमेंट को, तो उसको मैं थोड़ा आप सभी को रीड आउट कर दूंगा। व्हाई थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट आर स्टिल इन यूक्रेन व्हेन अदर कंट्री हैव एजुकेट डियर सिटीजन बिफोर द टाइम, जब वॉर नहीं होने से पहले दूसरा कंट्री का जितना लोग है पूरा अपना जो वहाँ का जो रहने पूरा निकल के लेके चला गया, तो हम लोग इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा था उसी टाइम में सूरा था क्या, इलेक्शन में बिजी था मेरे हिसाब से, और पाइप स्टेट में इलेक्शन था, तो वहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड मालूम है कि वहाँ में झगड़ा निकल रहा है वार होगा सबको पता था, लेकिन मोदी को मालूम नहीं था, ये जो मोदी एकदम पॉलिटिक्स में बिजी था, पॉलिटिक्स में हमेशा राहुल गांधी ऐसे बोलने के चक्कर में कांग्रेस बोल के ऐसे पीछे में पड़ गया अपने कुर्सी का चक्कर में, ये सब होके कुछ भी स्टूडेंट को दिया नहीं दिया, नंबर वन दिया नहीं दिया, वो उसका नेग्लिजेंस है, वो टोटली नेग्लिजेंस है, तो इसलिए उसको आइडिया नहीं था, ये क्वेश्चन है हमारा। और पॉइंट नंबर टू जो ये होगा वाई देयर वॉज नो पुलिस टू रेगुलेट आफ्टर ईयर फेयर आफ्टर एम्बेसी गाइडलाइंस, तो आप टिकट सकेट को भी दाम कम करने से देखते ना एयर टिकट को भी टिकट इतना दाम है, बच्चा कहाँ से मम्मी पापा को फ़ोन भी तो नहीं मिल रहा है ना, तो कहाँ से टिकट बुकिंग करके कैसे करके करेगा, तो एम्बेसी को भी थोड़ा से इंस्ट्रक्शन देना है स्टूडेंट को एटलीस्ट ये BPL सिस्टम से तो आगे लेके भी आ सकता है ना, तो ऐसे भी नहीं किया एकदम डैम केयर मोदी जी एकदम डैम टोटली डैम केयर किया एकदम मैंने वो बोलने का जगह ही नहीं टोटली डैम केयर किया है, तो ये है। और थर्ड पॉइंट इज दैट व्हाई द नंबर ऑफ फ्लाइट डिड नॉट इंक्रीज इवन आफ्टर गेटिंग रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विथ ईयर टिकट, जबकि इसलिए फ्लाइट का नंबर भी बढ़ा सकता है ना, तो एक ही फ्लाइट से कैसे होगा कैसे आना जाना, जबकि वह 20-30,000 का स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट एक फ्लाइट का कैपेसिटी जो मोर देन 300 होगा 200 है, तो ऐसे है, तो उसमें हमारा ये असम का भला लोग का तो पूरा लेके आ गया, सीएम साहब रिसीव कर रहे हैं सब कुछ पढ़ते ही मना रहे घर में आके, हमारा अरुणाचल को तो टोटली मिसिंग है, तो टोटली मिसिंग अभी तक एक भी ईटानगर में वापस नहीं आया, तो अभी स्टूडेंट उधर क्या हो रहा है उसका कौन जवाब देगा, कि हमारा जो 3 MP जो यहाँ में लगा कर रखा है वो उसको टाइम पास घूमते रहने के लिए न्योके में सेलिब्रेट करते रहने के लिए डेंस हमेशा फेसबुक में ये हम लोग तो ऐसे करने तो ही ना उसका भेजा है टोटली ये लोग कभी नहीं होगा वे आर कंडेम्डिंग रिलीज ए पूल डिटेल रिपोर्ट ऑफ वैकेंसी इफ एनी रिमेनिंग इन फ्लाइट आफ्टर द एम्बेसी गाइडलाइंस फॉर इंडियन टू लीव यूक्रेन, अच्छा जिसको यहाँ लेके आया तो उसी फ्लाइट में काली आधा पूल था ना काली था वो हमको रिपोर्ट देखा हो रिपोर्ट बता वो पूल था ना नहीं पूल नहीं था शायद किसी को नहीं भी लाया होगा उसमें फ्लाइट तो क्यों डैम किया रहे तो आधा कुर्सी भी तो काली था होगा ये है तो वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा
पब्लिक को, समाज को, और ये हमारा और एक पॉइंट दो पॉइंट है, लाइक कोविड सेकेंड वेव फॉर आवर फीम इलेक्शन आर एलवेज मोर इम्पोर्टेंस देन द लाइव्स ऑफ इंडियन सिटीजन। वो इलेक्शन जो है बड़ा सोचते हैं मोदी जी को, इलेक्शन जो सबसे बड़ा है, आदमी का लाइफ बहुत कमती है, आदमी तो क्या है चापके जाएगा ऐसा टाइप का। हमारे यहाँ में भी रोज़ होता है, आप लोग सभी ने देखा, जब कुछ कुछ स्ट्रगल होता है हमारा लोग को मार देता है, सूद कर देता है, सो डेट करता है, ऐसा केस भी बहुत हुआ है। बीजेपी प्रति जो टोटली ये है, आदमी को, आदमी का वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू इज़ लेस देन हिज चेयर। चेयर जो सबसे बड़ा है, ह्यूमन का कुछ वैल्यू ही नहीं है। इस प्रकार ये लोग डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। तो लास्ट पॉइंट यही होगा, वाई मोदी जी इज स्टिल फोकसिंग ऑन इलेक्शन पीआर एंड सेल्फ प्रमोशन वेयर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट आर इन डेंजर। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट बहुत डेंजर में है, लेकिन वो तो यहाँ इलेक्शन खेल कर घूम रहे हैं ना, तो वो तो नहीं हो सकता है। अब पहले स्टूडेंट को बचाना पड़ेगा ना, स्टूडेंट ही नहीं बच रहा है, तो आप कैसे करके ये इलेक्शन में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। सो थैंक यू वेरी मच।